हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप राजस्थान के निवासी हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि SSO ID जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक इंसान का SSO ID होना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल का यूज़ करके SSO ID किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक खास निवेदन है कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के खास उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं, वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस तरह का लेआउट आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर दो चीज़ें लिख रखी हैं, एक है लॉगिन और एक रजिस्ट्रेशन। ये जो लॉगिन का पेज है जिनका SSO ID पहले से बना हुआ है वो यहाँ पर SSO ID और पासवर्ड डालकर, उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को एंटर करके यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन अगर जिनका SSO ID बना हुआ नहीं है और जो नया SSO ID बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो खास ध्यान रखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिटीज़न उद्योग इस कहीं पे SSO ID ना बनाएं, आपके लिए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कॉर्नर दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करके ही आप SSO ID बनाएं। क्योंकि अगर आपने दूसरे के अंदर बना दी तो पीछे से प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको डिलीट करवाना पड़ेगा और बहुत सारी परेशानी हो जाएगी। तो ध्यान रखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करके ही SSO ID बनाएं। जो नॉर्मल सिटीज़न हैं उनके लिए आप दो तरह से ID बना सकते हैं, एक सिटीज़न की बना सकते हैं, एक उद्योग की बना सकते हैं। अगर आप आपका कोई उद्योग है या बिजनेसमैन है, एक्चुअली हम सिटीज़न की यहाँ पर एक ID बनाते हैं। सिटीज़न के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सिटीज़न की जो आपकी ID है उसको बनाने के लिए आपको नीचे आप देख लीजिए, भामाशाह, आधार, फेसबुक, गूगल प्लस और ट्विटर। अगर आप फेसबुक, गूगल और ट्विटर को यूज़ करके ये ID बनाते हैं तो आपको जो SSO ID का कुछ एप्लीकेशन है उन्हीं को आप यूज़ कर पाएंगे, फुल फ्लेश उसका उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप भामाशाह और आधार का उपयोग करके SSO ID बना रहे हैं तो आप फुल फ्लेश उसको उपयोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आधार कार्ड से SSO ID बनाना बताऊँगा। अगर आप भामाशाह कार्ड से SSO ID बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, वो वीडियो देखकर आप भामाशाह यूज़ करके SSO ID बना सकते हैं। लेकिन आज हम आधार कार्ड का उपयोग करके SSO ID बनाने वाले हैं। तो चलिए, अब मैं आधार के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अभी आपका आधार नंबर मांग रहा है तो यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अगर आधार नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दो तरीके से आप SSO ID बना सकते हैं। एक तो आप बायोमेट्रिक थंब लगाकर, अगर आपके पास मशीन है, और अगर मशीन नहीं है तो आप OTP के द्वारा, और यहाँ पर हम OTP के द्वारा करने वाले हैं तो OTP भेजे के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपके पास जो OTP आपका जो आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दें। और डालने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए वैलिडेट OTP लिखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका जो नाम है ये ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सिक्योरिटी रीज़न के लिए इसे हाइड कर दिया है। अब यहाँ पर ये नीचे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल ऑप्शनल, यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और ना चाहे तो ना डालें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ईमेल ज़रूर डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर अगर घूम जाता है और अगर आपने ईमेल डाल रखा है तो OTP प्राप्त करने में सुविधा रहती है, ईमेल पर OTP आ जाता है, इसलिए आप यहाँ पर ज़रूर से अपना ईमेल आईडी भी डाल दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से नया बनाएंगे, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। जो आप पासवर्ड बना रहे हैं वो का वो पासवर्ड आप यहाँ पर नीचे डाल दीजिए। चलिए, मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड
बनाकर यहाँ पर ईमेल आईडी डालकर अब मैं यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों अब जैसे ही आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लिया, अब आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी लॉगिन वाली। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना SSO ID डालना है, नीचे अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डालना है, और ये जानकारी आपके मोबाइल पर भी आ गई होगी और आपने जो ईमेल आईडी डाला है उसके ऊपर भी आ गई होगी। तो अब आप यहाँ पर अपना SSO ID डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना SSO ID डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा भी डाल दिया। अब यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आपने SSO ID में लॉगिन कर लिया है, ये आपके SSO ID का इंटरफेस है। दोस्तों अब SSO ID में लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम जो करना है वो आपका प्रोफाइल अपडेट करना है। तो दोस्तों चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए प्रोफाइल अपडेट करने वाला पार्ट मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि SSO प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं, तो आप वहाँ से देखकर आप अपना SSO प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर लेंगे। दोस्तों इससे जुड़ी हुई अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा देना ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिले। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं कल्पेश गर्ग आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।